मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज़ मोहिनी शर्मा, योर इंग्लिश टीचर, एंड टुडे वी विल कंटिन्यू योर चैप्टर नंबर सेकेंड, द ग्रेट रेड रूम. सो स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड योर चैप्टर टिल हियर, एंड टुडे वी हैव टू कंटिन्यू योर चैप्टर फ्रॉम हियर. शैल वी स्टार्ट? द ग्रेट रेड रूम ऑफ द लॉरेंस कास्टल वॉज सो बिग एंड डार्क दैट द लाइट ऑफ द कैंडल कुड नॉट इल्यूमिनेट द होल रूम. जो बड़ा सा विशाल सा लाल कमरा था लॉरेंस कास्टल का, वो इतना बड़ा था और इतना ज़्यादा अंधेरे वाला था कि वहाँ पर एक कैंडल की लाइट ना बिल्कुल असर नहीं कर पा रही थी. मतलब उसके लिए वो लाइट बहुत ज़्यादा कम थी कुछ भी विजिबल होने के लिए. ठीक है. अप्रेंसिव आई रिकॉल द मेमोरी ऑफ माई फ्रेंड हु लास्ट स्टेड हियर. और फिर मैंने याद किया कि जो मेरा पुराना मित्र था जो यहाँ पर रुका था लास्ट टाइम, एंड वॉज फाउंड डेड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और जो अगले दिन मरा हुआ पाया गया था. आई ऑल्सो रिमेम्बर्ड अदर पीपल हु डाइड स्टेइंग इन दिस रूम. और मुझे वो भी याद है कि जो और भी लोग इस रूम में रात को रुके थे वो सारे के सारे मर गए थे. आई डिसाइडेड टू मेक ऑल complete survey of the room so that nothing will surprise me. तो मैंने decide किया कि मैं पूरे room को बहुत अच्छी तरीके से देखूँगा जिससे कि मुझे किसी भी चीज़ को बाद में देख के आश्चर्य ना हो. Okay? Then I lit all the candles in the room and drew away all the curtains to make some nobody hid behind them. फिर मैंने रूम में जितनी भी कैंडल्स थी उन सबको क्या किया, लाइट अप किया और रूम के सारे कर्टेंस को खोल दिए जिससे कि कोई भी उनके पीछे छुपा हुआ ना हो. एडिशनल लाइट वॉज कास्ट बाय द ह्यूज फायर प्लेस फॉर विच आई वॉज थैंकफुल. एक अलग से एडिशनल लाइट भी थी वहाँ पे जहाँ पर हमारी फायर प्लेस थी, बॉन फायर थी, जिसे देख के मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील कर रहा था. देन आई सेट डाउन ऑन अ बिग चेयर एंड यूज द टेबल एज अ बैरिकेड. फिर मैं वहाँ पर जो बड़ी चेयर थी वहाँ पर बैठ गया और वहाँ की जो टेबल थी उसको बैरिकेड के रूप में यूज़ किया. आई सेट देयर वेटिंग इन सॉलिट्यूड, और मैं अकेले बैठकर वहाँ पर वेट करने लगा. आई एडमिट एंड आई ग्रेजुअली बिकम इंक्रीजिंगली कॉन्शियस ऑफ द शेडो डांसिंग अक्रॉस द रूम. मैं ये चीज़ को एडमिट करता हूँ कि जैसे जैसे टाइम निकल रहा था वैसे वैसे जो वहाँ की शेडोज़ थी सामान की, वो ऐसा दिख रही थी जैसे वो डांस कर रही हूँ. आई फेल्ट एन ओड सेंसेशन ऑफ समथिंग. मुझे एक अचानक से एक अजीब सी सेंसेशन, मतलब झंझनाहट का एहसास हुआ. मे बी अ प्रेजेंस लर्किंग अराउंड, किसी की प्रेजेंस हो शायद आसपास. आई वॉज सून नर्वस, और मैं घबरा गया. सडनली एट मिड नाइट टू कैंडल्स ब्लो आउट. अचानक से आधी रात में दो कैंडल्स बंद हो गई. आई डैश टू रिलाइट देम. मैं भागा और भाग कर उनको दोबारा जलाया. देन टू मोर एक्सटिंग्विश्ड एट द एंड ऑफ द रूम, और जो दो अलग से फायर एक्सटिंग्विशर लगे थे वो भी ख़त्म होने लगे. आई थॉट टू माई सेल्फ आई मस्ट हैव डन दैट माई सेल्फ इन माई हरी टू द लाइट द अदर. मैंने सोचा कि कहीं जल्दबाजी में तो मैंने ये कहीं मैंने ये डिसीजन नहीं ले लिया है. आई डार्टेड टू लाइट दोज टू बट ओनली टू हैव मोर कैंडल्स डाइंग ऑफ एज इफ दे वर क्रश्ड by something somebody's hand. और जैसे ही मैं उन्हें जलाने जा रहा था तो मैंने देखा कि दो और वहाँ पे जो कैंडल्स थी, जितनी भी बची हुई कैंडल्स थी, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगी और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उन्हें अपने हाथों से क्रश किया हो, मतलब वो क्रश किया हो, मतलब पूरी तरीके से ऐसे करके मैश कर दिया हो. ओके. स्टडी आई कन्फर्टेड माई सेल्फ. मैंने अपने आप को कन्फ्रंट किया के सीधे रहो. हाउएवर मच टू माई ग्रोइंग अपियरेंस द कैंडल इन माई ओन हैंड ब्लू ऑफ.
लेकिन धीरे धीरे सारी कैंडल्स के बुझने के साथ साथ जो मेरे हाथ में कैंडल थी वो भी बुझ गई। शेकन आई थॉट ऑफ द फायर प्लेस, डरते हुए मुझे याद आया कि वो जो फायर प्लेस था उसके बारे में, एंड फेल्ट ग्रेटफुल फॉर दैट कॉन्स्टेंट लाइट, जहाँ से मुझे लगातार लाइट नज़र आ रही थी। बट मस्ट टू माई हॉरर दैट एवरी मोमेंट इवन द फायर प्लेस एक्सटिंग्विशर, लेकिन मैं इतना डर चुका था कि जो फायर एक्सटिंग्विशर वाला जो प्लेस था वो भी मुझे डराने लगा। नॉट एबल टू बियर इट एनी लॉन्गर, और मुझसे और ज़्यादा वहाँ पर और ज़्यादा देर के लिए रुका नहीं गया। आई रैन अक्रॉस द रूम टूवर्ड्स द डोर इन ऑर्डर टू गेट आउट ऑफ द रूम, मैं भागा डोर की तरफ जिससे कि मैं उस रूम से बाहर आ सकूं। आई थॉट आई फाउंड द डोर, मुझे लगा कि मुझे वो डोर मिल गया है, बट आई ट्रिप्ड ओवर फर्स्ट माई चेयर, लेकिन मैं अटक गया पहले अपनी चेयर पे एंड देन द बेड, और फिर बेड से टकरा कर, हाफ आउट ऑफ माई माइंड एंड क्राइंग आउट अलाउड, और मेरे माइंड में इतने थॉट्स आने लगे कि मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। आई ट्राइड रनिंग, मैं भागने की पूरी पूरी कोशिश करता रहा। माई लास्ट मेमोरी वॉज ऑफ बींग हिट बाई समथिंग, मुझे जो याद था वो लास्ट में ये याद रहा कि मैं किसी चीज़ से टकराया था, एंड देन फॉलिंग इन टू डीप स्लीप, और बहुत गहरी नींद में सो गया। आई वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग विद माई हेड बैंडेज एंड सराउंडेड बाई द 3 ओल्ड पीपल। मैं अगली सुबह उठा और मैंने अपने सर के ऊपर पट्टी देखी और अपने आप को चारों तरफ से उन तीनों बूढ़े लोगों से घिरा हुआ पाया, जैसे कि ये रहा। ओके, वेयर एम आई, आई आस्क्ड, मैं कहाँ हूँ, मैंने पूछा। आई सीम टू रिमेम्बर यू एंड येट आई कैन नॉट रिमेम्बर हु यू आर, मुझे लग रहा है कि मैं आपको जानता हूँ बट मुझे याद नहीं आ रहा है कि आप कौन हैं। दे टोल्ड मी देन, उन्होंने बताया, एंड आई हर्ड ऑफ द हॉन्टेड रेड रूम, और फिर मैंने सुना उस भूतिया लाल कमरे के बारे में। वी फाउंड यू एट डाउन, हमने तुम्हें वहाँ पर पड़ा हुआ देखा, सेड ही, एंड देयर वॉज ब्लड ऑन योर फॉरहेड एंड लिप्स, और तुम्हारे मुंह और सर पे से खून निकल रहा था। सून आई रिमेम्बर्ड, यू बिलीव नाउ, फिर मुझे एकदम से याद आया कि अब तुम बिलीव करते हो। किसने बोला ऐसा? उन ओल्ड मैन ने, उन बूढ़े आदमियों ने बोला कि वो रूम बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड है, कि वो जो कमरा है वो भूतिया है। यस सेड आई, द रूम इज़ हॉन्टेड, हाँ वो रूम सच में भूतिया है, मैंने माना। टेल अस हु द घोस्ट इज, अब तुम ये बताओ कि वहाँ घोस्ट कौन था, वहाँ भूत कौन था। इज इट द अर्ल और द काउंटलेस, क्या वो तुम्हें दिख रहा था या फिर तुम्हें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था, और वो क्या वहाँ पे एक नहीं बहुत सारे थे। नो सेड आई, नहीं मैंने नहीं, मुझे नहीं पता। इट इज़ नॉट, देयर इज़ नाइदर द घोस्ट ऑफ द अर्ल नॉर द घोस्ट ऑफ काउंटलेस इन द रूम, देयर इज़ नो घोस्ट देयर एट ऑल, बट वर्स फार वर्स, नहीं वहाँ कुछ भी नहीं था, ना तो वहाँ कोई घोस्ट था और ना ही वहाँ पे कुछ और था, बट बिना भूत के भी वहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि इससे ज़्यादा भयानक जगह मैं कभी नहीं आना चाहूँगा। The worst of all the things that hunt poor mortal man, जो सबसे ज़्यादा ख़राब चीज़ थी जिसने मुझे डरा दिया था, वो था mortal man, जो वो वहाँ पे जो आदमी था बुढ़ा, उसने said I, and that is fear, और जो कि क्या था, डर। It is the fear itself that is beyond any reason and understanding, ये डर ही था जिसने मुझे इतना ज़्यादा अंदर से खोखला कर दिया कि मैं अपने सोचने समझने की शक्ति खो चुका था और बिना किसी रीज़न के ही डर रहा था। इट इज़ फियर दैट हॉन्ट द इमेजिनेशन ऑफ मैन, ये डर ही है जो इंसान की सोचने की क्षमता को और भी ज़्यादा डरा रहा था। एंड इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ इवन द सिंपलेस्ट थिंग, और जो चीज़ें आसपास थीं उनको ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर
छोटी छोटी चीजों को भी माइंड में दर्शा रहा था। आई स्टॉप अब्रुप्टली, देयर वॉज एन इंटरवल ऑफ साइलेंस, और मैंने चुप एकदम चुप होकर देखा और वहां पर मेरे अलावा और कोई नहीं था, कंप्लीट साइलेंस था अंदर। इट इज द फियर दैट फॉलो यू, दो वो केवल एक डर था जिसने इंसान को अंदर से और भी ज्यादा डरा दिया था। द कॉरिडोर सो दैट यू डेयर नॉट टर्न, ये डर कि तुम पीछे मुड़ के मत देखना, ठीक है। इट फाउट अगेन मी इन द रूम, उसी डर ने मुझे अंदर कमरे में भी घेर लिया। देयर इज फियर इन दैट रूम, तो जो डर था वो मेरे साथ रूम में भी था। प्लेन बैक फियर, आई फिनिश्ड, कुछ नहीं था, केवल अंधेरा था और डर था, बस इसके अलावा कुछ नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।